नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका फिर से। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, पशुपालन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पशु है उसकी डिलीवरी के बाद तुरंत उसका जेर साफ़ नहीं हो पाता। दोस्तों, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है दोस्तों जिससे ये साफ़ हो सकता है, लेकिन दोस्तों कई बार 4 से 6 घंटे के बाद भी जो है कई कारणों से जो है पशु का जेर साफ़ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इसके जो है बहुत नुकसानदायक परिणाम हो सकते हैं। हमारे पशु के गर्भाशय में जो है इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें मवाद भी आ सकता है दोस्तों, और कई बार जो है उसमें बांझपन की भी समस्या हो जाती है। तो इसे ठीक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए जो है पशु के जो है ब्याहने के बाद तुरंत हमें कुछ उपचार करने चाहिए ताकि जो है जेर को हम जल्दी से जल्दी साफ़ कर सकें। तो आज मैं एक आपको ऐसे ही उपाय के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते उस उपाय को कैसे बनाते हैं। तो इस उपाय को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम तिल। हम सफ़ेद या काली तिल कोई भी सा तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। तिल में वो सभी गुण होते हैं जो दोस्तों जो पशु के जेर को साफ करने में सहायक होते हैं। उसके बाद हमें लेना है दोस्तों भिंडी के बीज। 25 ग्राम हमको भिंडी का बीज लेना है दोस्तों। ये भिंडी के बीज भी दोस्तों पशु के जेर को साफ़ करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसलिए हमें इसे भी लेना है। और इसके बाद लेना है दोस्तों हमको लेना है काली मिर्च। हम 6 से 8 जो है काली मिर्च के दाने लेंगे तो काफ़ी होगा दोस्तों इस औषधि को बनाने के लिए। और इसके बाद दोस्तों हमको चाहिए लगभग 250 ग्राम के आसपास जो है हमको गुड़ चाहिए दोस्तों। तो ये गुड़ भी दोस्तों पशु जब डिलीवरी होती है पशु की तो उसके बाद उसे तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है और हम जो औषधि बना रहे दोस्तों उसका स्वाद भी बढ़ाता है। तो ये गुड़ हमको लगभग 250 ग्राम लेना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ, साथ ही ऑल को दबाएँ ताकि सभी जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो दोस्तों हमको इनमें से जो है 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। सबसे पहले जो है तिल को ले लेना है जो हमने 100 ग्राम लिया है। उसके बाद जो हमने 25 ग्राम जो भिंडी के बीज लिए उसको ले लेना है, और काली मिर्च जो है 4 से 6 दाने उसको भी इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से पीसना है दोस्तों। इसको थोड़ा सा पीसने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से पीस चुका है। इतना ही आपको पीसना है दोस्तों ताकि जो है पशु जो है इसे आसानी से पचा सके। और उसके बाद दोस्तों हमको ले लेना है इस तरीके का बर्तन, और उसमें जो है ये हमने जो पीस लिया है मिश्रण इसको डाल देना है। और इसके बाद दोस्तों हमें गुड़ ले लेना है। गुड़ को अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है ताकि ये मिश्रण में मिलाते बने। और यहाँ पर हमने जो है लगभग 250 ग्राम जो है गुड़ लिया है दोस्तों, और इसको इसमें डालने के बाद अच्छे तरीके से हाथ से मिलाएंगे दोस्तों ताकि जो है गुड़ का स्वाद पूरी तरीके से जो है मिश्रण में आ जाए और पशु इसे आसानी से खा ले। तो कुछ देर मिलाने के बाद दोस्तों हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, अब हम इसे पशु को खिला सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आप डालने के लिए चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें इस मिश्रण को जो है अपने पशु को डिलीवरी के तुरंत बाद देना है, और केवल एक ही बार देना है दोस्तों, जिससे पशु का जो है जेर आसानी से साफ हो जाएगा। और इसे देने के बावजूद दोस्तों अगर जो है 6 से 7 घंटे के बाद भी अगर पशु का जेर साफ नहीं हो पाता है तो आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।